आज हम आपको कांग्रेस का वो चेहरा दिखाने जा रहे हैं जो गौ हत्या का पक्षधर है, जो ये कहता है कि अगर बकरीद के समय गायों को बचाने के लिए कोई आता है तो उसे लात मार कर भगा दो। बकरीद बनता है कानून प्रकार ऐन ला इदे एल्लरू पीएसआईगळु डीएसपीगळु स्वल्प केळि सर्कल अवरु ई कौ विजिलेंटिसम माड्ता इदरल्ल ई तड आदळ अन्कोंडि इवरेल्लरू माड्ता इदरल्ल ರೈತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಶಾಲ್ ವೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ದಳದಿಂದ ಇದೀವಿ ಈ ದಳದಿಂದ ಇದೀವಿ ಈ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಇದೀವಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಾನೂನು ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒದ್ಗೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ. हम जिस गाय को माँ मानकर उसकी पूजा करते हैं उसी की हत्या की बात जानते हैं कौन कर रहा है? प्रियांक खड़गे, वही प्रियांक खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा है और ये राज्य है कर्नाटक जहाँ हाल ही में कांग्रेस की सरकार बनी है। प्रियांक खड़गे कैबिनेट मंत्री बना है। प्रियांक खड़गे पुलिस से ये कह रहा है कि अगर कोई बकरीद के दौरान गायों को बचाने और नैतिक पुलिसिंग करने आए तो उन्हें लात मारो और जेल में डाल दो, जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 स्पष्ट रूप से जानवरों के वध पर प्रतिबंध लगाता है, खासकर सार्वजनिक स्थानों पर। लेकिन प्रियांक खड़गे न केवल अवैध गौहत्या को बढ़ावा देकर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है बल्कि पुलिस अधिकारियों पर इसका विरोध करने वालों को गिरफ्तार करने का दबाव भी डाल रहा है। अब बताइए मल्लिकार्जुन खड़गे जी, क्या ये बाबा साहब के बनाए हुए भारतीय संविधान का उल्लंघन नहीं है? क्या इससे गायों की हत्या करने वालों को बढ़ावा नहीं मिलेगा? क्या राहुल गांधी जिस हिंदू होने का ढोंग करते हैं उस नौटंकीबाज का अपमान नहीं होगा? साहब ये जनता है, आपके हर पाप का हिसाब जरूर करेगी।